67% होम आइसोलेशन कर रहे हैं, जिसमें से सवाल जवाब आप सब कैसे लेते हैं? पहले क्राइटेरिया वाइज पेशेंट या तो माइनर कैटेगरी में आता है या अर्ली मॉडरेट कैटेगरी में आता है, जिसमें कि उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 5% से भी कम है, लंग इन्वॉल्वमेंट 5% to 10% है, ऐसी स्थिति में रेमडेसिविर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो जो रेमडेसिविर का अत्यधिक यूज किया जाए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हर मरीज में रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ क्लियर करना। कमी वाला मुद्दा आप मुझसे पूछ लेना। चलो शुरू करें। एक सेकंड। कमी या उपलब्धता वाला मुद्दा हम लोग एड्रेस करेंगे, कहाँ उपयोग होना चाहिए वो डॉक्टर साहब चूंकि बेहतर बताते, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो आपको बता दें। मैं आपकी जानकारी के लिए, चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा, एक तो मैं आपको बताऊं कि अस्पतालों में होने वाली 90% डेथ और मोर देन 90% ऐसे ही पेशेंट की हैं जिनको रेमडेसिविर लगी है। तो ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर से कोई आदमी की जा, मेरी पूरी बात तो सुन लो यार। दूसरा, आपने मुझसे पूछा कितने परसेंट लोगों को लगना चाहिए, तो दूसरी वो डॉक्टर साहब ने बताया जो क्राइटेरिया उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से केवल 8 या 9-10% लोग ऐसे होंगे कोविड के पॉजिटिव पेशेंट जिन्हें रेमडेसिविर की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी हर आदमी उसकी लाइन में लगा है, एक मिथ सी हो गई। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए उनको बताया था। तो पहले मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वार्ता का शुभारंभ करें और फिर हम लोग आगे बातचीत आपके साथ करेंगे। जैसा आप सभी को मालूम है कि कोरोना का संकट पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है, मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि लगातार ये संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो पिछला पीक कहा जाता था उससे भी हम ऊपर निकल चुके हैं, पर उसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार पूरी कटिबद्धता के साथ हर तरह की चुनौती का सामना करने को तैयार है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह मध्य प्रदेश के सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ वर्चुअल बातचीत की और सभी 52 जिले में क्रमबद्ध जिस तरह से वहां पर क्राइसिस ज़्यादा है या पॉजिटिव केसेस की संख्या ज़्यादा है उस हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे वार्तालाप किया और उस जिले में क्या कुछ स्थिति है और उसके साथ ही वहां के जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट का क्या कुछ निर्णय है इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। और यह भी निर्णय लिया गया है कि पूरी तरह से केवल सेंट्रलाइज निर्णय इस भीषण समस्या के लिए ना लिए जाएं, बल्कि जिले की स्थिति परिस्थिति और जिले के आकलन करते हुए वहां का क्राइसिस मैनेजमेंट जो रिकमेंडेशन भेजेगा उस रिकमेंडेशन पर विचार करके यहां से निर्णय होगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जो भोपाल में उपस्थित थे उनकी भी एक आपात बैठक बुलाई और उसमें भी मध्य प्रदेश के
कोरोना संकट पर विस्तृत रूप से बातचीत हुई। जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी कटिबद्धता के साथ हर तरह के चुनौती का सामना करने को तैयार है। बिस्तर की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन बेड की क्या स्थिति है, दवाइयों की क्या हमारी स्थिति है, वेंटिलेटर और बाकी हमारी चिकित्सीय व्यवस्थाएं क्या हैं, इसके बारे में तो अभी सुलेमान जी हमारे प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे ही। पर उसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया, जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस भीषण संकट से निपटने के लिए अभी टेम्प्ररी रूप से मंत्रियों को भी कुछ जिले आवंटित किए गए हैं जो केवल कोरोना संकट के समय के लिए हैं। उसकी लिस्ट अभी थोड़ी देर में आपके पास आएगी। उसके साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो रिकमेंडेशंस हैं, खासकर लॉकडाउन से रिलेटेड और इस संकट में और क्या उस जिले में करना है, उसमें भी कहा गया है कि आज रात तक या कल सुबह तक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पर्टिकुलर जिले की जो निर्णय है वहाँ की स्थिति का आकलन करते हुए यहाँ भेजेगा और कल उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि इस संकट में कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी तरह के बिस्तरों की कमी नहीं है। हमारे पास समुचित बिस्तर उपलब्ध हैं और उसमें भी जो तीन कैटेगरी हैं, सामान्य स्तर के बिस्तर, ऑक्सीजन की व्यवस्था वाले बिस्तर और आईसीयू और एचडीयू तरह के बिस्तर, वो सफिशिएंट हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर बिस्तरों की संख्या समुचित है, वो प्रेजेंटेशन में उसकी संख्या आपको अभी बताई जाएगी। उसके साथ ही जो पुराने पहले चरण में जो एक व्यवस्था की गई थी कि हर जिले में ट्रिपल सी कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जाए, ये निर्णय लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर की स्थापना जल्द से जल्द की जाए। वैसे तो चल ही रहे, यदि कहीं कोई कमी पेशी है तो उसको ठीक किया जाए। उसके लिए आज अलग से बजट भी दिया गया है और उसके साथ ही प्रत्येक कलेक्टर को इस कोविड संकट से निपटने के लिए यदि तात्कालिक रूप से किसी भी तरह के बजट की जरूरत हो तो उसके लिए भी लगभग 104 करोड़ रुपए आज सरकार ने सैंक्शन किए हैं जो प्रत्येक कलेक्टर को दिए जाएंगे। लगभग 2 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले में जाएगा, टोटल मिलाकर 104 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बजट केवल कोविड के संकट से निपटने के लिए है, वो कलेक्टर के विशेषाधिकार में रहेगा। जैसा मैंने कहा कि हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे मामले की समीक्षा भी कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। हम दोनों आयामों पर काम कर रहे हैं, संक्रमण ना फैले उसके लिए जहां जन जागरण और उसके साथ साथ आचार संहिता का पालन करना और उसको लागू करना, जैसा टेम्परेरी लॉकडाउन की बात है या आगे लॉकडाउन की सीमा बढ़ाने की बात है, उस पर भी क्राइसिस मैनेजमेंट विचार करेगा। और उसके साथ ही यदि कोई संक्रमित हो गया है, यदि कोई बीमार है तो उसके इलाज की भी समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की क्योस की स्थिति नहीं है। संकट बड़ा है पर हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी संक्रमित हैं उन्हें पूरी तरह से इलाज देने के लिए सरकार कटिबद्ध है और उनको इलाज दिया जाएगा। मैं सुलेमान जी से कहूँगा कि प्रेजेंटेशन यहाँ पर देंगे, हम सब प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद यदि आपके कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसका जवाब मैं दूंगा। सर वैसे आपकी आवाज बुलंद है सर, माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मेरे को सर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये लीजिए ना आप, सुन
ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए माइक अच्छे नहीं होते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर दिन कोरोना रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश में 1,45,000 कोरोना के केसेस हैं। हमारा भी हर दिन एक नया रिकॉर्ड आ रहा है, लगभग 5,000 केस पे हम पहुंच गए। और एक्चुअली मैं आज के इस पत्रकार वार्ता में पिछली बार से अब तक में क्या अंतर है मूलतः उस पर ध्यान दूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं। तो अब हमारे पास 32,707 एक्टिव केस है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम लोग देखें कि किन प्रदेशों में कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है तो अभी एक स्पष्ट सी धारणा बनने लगी कि वेस्टर्न इंडिया में कोरोना का ज़्यादा असर आ रहा है, ईस्टर्न इंडिया कंपेरेटिवली अभी कोरोना से थोड़ा कम प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में लेकिन हमारे पड़ोस में काफ़ी कोरोना का प्रभाव है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सब में कोरोना के केसेस काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। हम अपने मध्य प्रदेश की जब तुलना करके देखते हैं तो हमारे लिए लगातार एक ही चीज़ चिंता का विषय बनी हुई। मुझे याद है पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारी पॉजिटिविटी रेट बढ़ी हुई है 10.6 या ऐसा कुछ वो आंकड़ा था, आज वो बढ़ के 12.1 दिख रही है। मतलब हमारी पॉजिटिविटी रेट अभी आगे लगातार ऊपर की गति की ओर है, 12.1%। और हमारे लिए ये चुनौती का विषय है कि ये अभी देश के औसत से भी ज़्यादा है, 9.9 कंट्री का एवरेज है, हमारा 12.1 पॉजिटिविटी है। और जो ग्रोथ रेट है CAGR जिसको कहते हैं वो भी कंट्री एवरेज से ज़्यादा है, 0.9 भारत का है, हमारा 1.3 है। जैसा मैंने कहा कि देश का चूंकि आधा हिस्सा अभी कोविड के प्रकोप से अछूता है तो ऑब्वियसली बाकी आधे हिस्से में उसका प्रकोप ज़्यादा दिखता है। तो ये आंकड़ा स्लाइड बेसिकली बताती है कि कोविड का खतरा बिल्कुल अपने सामने है और हम लोग उससे बिल्कुल भी अछूते नहीं हैं। हम लोग इस पीक को देख के पहले बहुत खुश हुआ कर सकते थे फरवरी में कि हम तो बस अब ठीक हो गया, हमारा ग्राफ तो जीरो पे पहुंच गया। अभी वो जो पुराने वाली पीक थी 2,607 मुझे याद है पिछली बार अपन शायद 3,000 के आसपास के फिगर पे आपके साथ थे, अब ये 5,000 है। मतलब पीक और आप उसका स्लोप भी देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है। तो हम अभी भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारा कोविड की जो ग्रोथ है उसमें कोई कमी आई है, मतलब अभी भी ग्रोथ हमारी लगातार बनी हुई है। जो हमारे साप्ताहिक केसेस हम देखते हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 10 अप्रैल को आज अगर हम काउंट करके देखें तो पिछले एक सप्ताह में 28,533 केस आए, 27 फरवरी का डेटा इसमें दिख रहा है 2,275 केस थे। मतलब लिटरली एक सप्ताह में जो केस आते हैं वो 13 गुना बढ़ गए हैं और अभी भी ग्रोथ का पैटर्न हमारा चल रहा है। ये आंकड़े मैं आपको किसी को डराने के लिए नहीं कहता, खाली ये बताने के लिए कहता हूँ कि जनता के सामने पिक्चर क्लियर रहे कि सारे प्रयासों के बावजूद आपको पता है पिछले एक हफ्ते से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए सारे प्रयास किए गए, अखबार के विज्ञापन अपनी जगह, मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य आग्रह किया, सभी देश प्रदेश के सभी जिलों में वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लोगों से आह्वान किया, थोड़ा फायदा भी हुआ। मास्क का प्रिविलेंस जो ना के बराबर था अब वो दिखने लगा है, बहुत सारे जिलों में उसमें अच्छी स्थिति आई है, लेकिन अभी भी कोविड का प्रकोप हमारा बना हुआ है। जो जिले जिसमें सबसे ज़्यादा कोविड का प्रकोप है वो आप जानते हैं, इंदौर भोपाल में सबसे ज़्यादा प्रकोप है। लेकिन आप देखेंगे कटनी में 31% की पॉजिटिविटी है, मतलब हर तीसरा व्यक्ति जिसको हम टेस्ट करते हैं वो कटनी में पॉजिटिव निकल रहा है। छिंदवाड़ा में 8% है लेकिन नरसिंहपुर बगल में है, 20% की पॉजिटिविटी नरसिंहपुर में दिखने लगी है। झाबुआ जैसे छोटे जगह में भी 20% की पॉजिटिविटी है और भोपाल की पॉजिटिविटी 24% है। मुझे याद है पिछली बार मैं आपको शायद ये आंकड़ा दे रहा था तो 20% के आसपास थी। मतलब भोपाल में अभी भी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, 24% की पॉजिटिविटी भोपाल की पिछले एक सप्ताह के एवरेज पे रही है। ऑब्वियसली जब ये प्रकरणों की संख्या बढ़ती है तो उसका एक ही पूरी दुनिया का आंकड़ा कहता है कि हेल्थ सिस्टम के सामने चुनौती हो जाती है कि वो उतने प्रकरणों को कैसे संभालेंगे और किस तरह से उन पॉजिटिव केसेस का ट्रीटमेंट किया जाएगा। जब
थोड़ा आसानी होती है, तो नॉर्मली कोई भी आदमी आता है तो अस्पताल में भर्ती करते हैं। फिर हमारे डॉक्टर साथी लोग अभी हमें ये बार बार ये सलाह देते हैं कि अस्पताल का बिस्तर उस आदमी को दिया जाना चाहिए जिसको उसकी वाकई ज़रूरत हो, और जिसको ज़रूरत ना हो उसको हमको आइसोलेशन में रख के काम चलाना चाहिए, चाहे वो होम आइसोलेशन हो या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन हो। मतलब अगर अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है तो कोशिश ये करना चाहिए कि अस्पताल के बिस्तर अनावश्यक वेस्ट ना हो, ताकि जो सही व्यक्ति है उसको बिस्तर मिल सके। तो अभी हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। हमने एक हॉस्पिटल एडमिशन प्रोटोकॉल भी जारी किया कि किन परिस्थितियों में लोगों को अस्पताल आने की ज़रूरत होगी। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिनको अस्पताल आना है वो समय से आ जाए, चूँकि अगर वो देर हो जाते हैं तो बाद में उनके सर्वाइवल के जो चांसेस है वो रिड्यूस होने लगते हैं। तो दोनों दृष्टि को रखते हुए लोग जल्दी अस्पताल आ सके और वो व्यक्ति अस्पताल आए जिसको उसकी ज़रूरत हो, इसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल जारी किया। परिणाम स्वरूप अब हमारे 34% लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में आना पड़ता है, और आप देखेंगे उसमें से 26% लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब डॉक्टर साहब आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो लोग ICU में हैं उनको रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें आप देखेंगे 8% लोग ICU HDU बेड्स पे हैं, ऑब्वियसली उनको रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ लोग जो केवल ऑक्सीजन युक्त सामान्य बिस्तर पे हैं, मतलब जिनको ऑक्सीजन दी जा रही है लेकिन अगर उनका ऑक्सीजन कंजम्पशन 5 लीटर से ज़्यादा है तो फिर उनको भी रेमडेसिविर जैसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है। दोनों आंकड़े मिला के देखें तो ये 10% के आसपास का नंबर आता है, अर्थात कोविड के प्रभावित होने वाले प्रकरणों में से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको रेमडेसिविर को लगाने की ज़रूरत होती है। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि WHO ये कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा मैं आगे और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि हम इसको अब क्यों कहने लगे हैं कि इसका 10% केसेस में ज़रूरत पड़ सकती है। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि घर बैठ के रेमडेसिविर नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग जो है वो ओवर द काउंटर जाके खरीद के घर में रख के और घर में लगाना चाहते हैं, वो किसी भी मेडिकल दृष्टि से सही नहीं है, बल्कि उनके लिए खतरे का कारण बनने के अलावा उसमें और कोई बात नहीं है। मंत्री जी ने मुझसे कहा था मैं आपको बेड की उपलब्धता के बारे में बताऊं, और मैं आपको हर बार जब भी ये स्लाइड बताता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी पिक्चर में इसको थोड़ा हमको संभल के देखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये कह देने से कि हमारे 35% बिस्तर यूज़ हो रहे हैं, इसमें ज़िलेवार स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसके ज़िलेवार आंकड़ों में थोड़ा परिवर्तन है, कुछ ज़िलों में हमारे अभी 65% बिस्तर भी यूज़ होने लगे हैं, खासतौर से ICU के बिस्तर जो है हमारे, जैसे मुझे पता है कि भोपाल और इंदौर में 70% ICU के बिस्तर यूज़ होने लगे हैं, कुछ ज़िलों में 5% भी यूज़ नहीं हो रहे, बट ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां हमारे पास ICU और HDU में बेड उपलब्ध ना हो। जैसे ही हमारा टारगेट हमारा ऑक्यूपेशन 75% के आसपास जाता है तुरंत हम उसमें HDU और ICU बेड्स बढ़ाते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को ICU और HDU बेड्स की कमी ना हो। प्राइवेट संस्थानों ने हमको भारी सपोर्ट किया है, इन संस्थानों में लोग सर अपने खर्चे से इलाज करा पा रहे हैं, बट इसमें बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों ने पिछली बार सब डरते थे, अभी बहुत सारे लोगों ने हमको सपोर्ट किया और 57% बेड यूज़ हो रहे हैं। 13,285 बिस्तर प्राइवेट चिकित्सालयों में अब उपलब्ध कराए हैं कोविड के इलाज के लिए। मैं विशेष रूप से आपका ध्यान इस स्लाइड की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, थोड़ा धैर्य के साथ समझाना भी चाहूँगा इसको। ये बेसिकली ये बताता है कि हमारा ऑक्सीजन का यूज़ किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरह से हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे 22 मार्च को प्रदेश में कुल 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कंजम्पशन हुआ था। 22 मार्च को बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, केवल 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कंजम्पशन हुआ था। 8 अप्रैल को वो बढ़ के 234 है, मतलब 4 गुना कंजम्पशन ऑक्सीजन का पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। कुछ दिनों तक ये बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से बढ़ रहा था, जैसे जैसे केस बढ़ते थे वैसे वैसे ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ रहा था। 5 अप्रैल की फिगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है 131 मीट्रिक टन का कंजम्पशन 5 अप्रैल को हुआ था, मतलब 22 मार्च से 5 अप्रैल तक हम 131 मीट्रिक टन पे थे। सडनली अचानक पिछले 5 दिनों में 5 अप्रैल से आज 9-10 अप्रैल को देखें 5 दिनों में 131 से 234 पे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इतने तेजी से हमारे केस नहीं बढ़े हैं कि हम 131 से 234 पे पहुंच जाएं। एक माहौल सा बन गया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, कोई अपने घर में स्टोर करना चाह रहा है, कोई ज़बरदस्ती खरीद के रख लेना चाह रहा है,
इस कारण से हमको कुछ मजबूरन कार्रवाइयां भी करनी पड़ी हैं कुछ फैक्ट्रीज पे। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि 234 यानी हमारे पास आज की तारीख में इससे ज्यादा 277 के आसपास ऑक्सीजन की उपलब्धता है, अभी भी हम इसको सस्टेन कर पा रहे हैं। बट ये बात बिल्कुल तय है कि जो चीज अपने यहाँ नहीं है कहीं बाहर से लानी पड़ती है, उसकी मॉनिटरिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस चीज की हम लगातार इसीलिए मॉनिटरिंग भी करते हैं और आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, साथ में बताना भी चाहते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है ऑक्सीजन की स्थिति में। मैं छोटा सा आपको टीकाकरण का बताना चाहता हूँ कि हम अब करीबन 54 लाख टीके लगा चुके हैं और जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसमें देखिए दो टारगेट ग्रुप है, एक 60 साल से ज्यादा वाला, एक 45 से अधिक वाला। 60 साल से ज्यादा का टारगेट ग्रुप अभी हमारा 33% कवर हुआ है, फिर वही बात है प्रदेश का आंकड़ा और जिलों के आंकड़े फर्क है, और 45% का 14% है। अगर हम ओवरऑल टारगेट ग्रुप देखें 45 से ऊपर तो भोपाल में हम काफी अच्छी संख्या में कवर कर चुके हैं लगभग 40% लोगों को, इंदौर में भी 30 से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि हमने कोशिश ये करी थी कि वैक्सीन हम वहाँ डाइवर्ट कर सकें जहाँ कोविड का प्रभाव ज्यादा है। तो इन शहरों में हमने टारगेट ग्रुप को हम पहले करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर जनता का सहयोग आपके माध्यम से मिलता रहा तो अभी जो 4 दिन का अभियान है उसमें हम कोशिश करेंगे कि अपने टारगेट ग्रुप का कम से कम 80% तक हम पहुंच सके, खासतौर से उन शहरों में जहां कोविड का प्रभाव ज्यादा है। कुछ निर्णय जो पिछले दिनों में लिए गए हैं पिछली बैठक से इस बैठक के बीच में, माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें आपको बताई हैं जो आज तय हुई है, मेरी जानकारी में नहीं थी, लेकिन जो हमने पहले से जिनके बारे में निर्देश जारी किए हैं वो भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 6 जिलों में हमने किल कोरोना 2 नाम से कैंपेन लॉन्च किया है, पहले भी किया था। इसमें हम बेसिकली डोर टू डोर सर्वे करते हैं, कोशिश करते हैं ढूंढने की ऐसे व्यक्तियों को जिसमें सिम्टम्स हों और उनको जरूरत पड़ने पर आइसोलेट करने के लिए कोविड केयर सेंटर में लेके जाते हैं। ये वो 6 जिले हैं जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का प्रभाव देखने में आने लगा, ये हम शहरों में नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। शहरों में बड़े कंटेनमेंट जोन बनाने की बात हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडवाइजरी है कंटेनमेंट जोन को 10 दिन तक लगभग बंद रखा जाए, तो हमने शहरों को कहा है कि जहां जरूरत हो वहां बड़े कंटेनमेंट जोन बनाए। जैसे भोपाल का सबसे ज्यादा केस लोड अगर कहीं है तो कुलार का है, कुलार क्षेत्र को बड़ा कंटेनमेंट जोन बना के उसको उसमें कोरोना कर्फ्यू लगाने की बात हुई है कि जहां कंटेनमेंट जोन बनाए वहां कोरोना कर्फ्यू लगाए। जो हम डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से मॉनिटरिंग करते थे उसमें पहले केवल हम वीडियो कॉल करके पूछ लेते थे कि भाई आप ठीक है कि नहीं है, अब उसमें साथ में ये हुआ है कि उसके उस आइसोलेशन अवधि में कम से कम एक बार उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाए, क्योंकि ऐसी शिकायतें भी आई कि वो लोग घर पे ना रह के कई बार टहलने निकल जाते हैं, तो उसका भी हमने आकस्मिक स्पॉट निरीक्षण के लिए निर्देश जारी किए हैं। मंत्री जी ने आपको बता दिया कि जिले में एक कोविड केयर सेंटर बनाना है, इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को दी गई है, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडोई को इसका प्रभारी अधिकारी बनाया है ताकि वो हर जिले में कोविड केयर सेंटर बनवा सके। कुछ दरें तय की हैं आप लोगों के सुझाव पे, पिछली बार भी इशू रेज हुआ था, निजी प्रयोगशालाओं में RT-PCR RAT की दर तय की गई है, साथ में चेस्ट का जो CT करना होता है जो कोविड के लिए ज़रूरी है उसकी दर भी तय की गई है, 3,000 रुपये प्रति स्कैन उसका हमने सीलिंग लगाई है कि इससे ज़्यादा कोई चार्ज ना करे। आपने सुना होगा कि कई जगह जो लोग पहले पॉजिटिव थे वो दोबारा पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं जिनको दोनों वैक्सीन की डोज लगने के बाद 14 दिन गुजरने के बाद फिर भी वो पॉजिटिव हुए हैं और एक दो केसेस में ऐसी कुछ डेथ की बात भी सामने आई है। तो ये तय हुआ है कि ऐसा हर व्यक्ति जिसको सेकेंड इन्फेक्शन हो या डोज लगने के बाद उसको अगर पॉजिटिव आया हो तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए जिससे पता चल सके कि वायरस का कोई नया वेरिएंट तो उस व्यक्ति में नहीं आ रहा है जिसके कारण वो दोबारा पॉजिटिव हो रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि यद्यपि हमने अवेलेबिलिटी इंश्योर करी है, मैं आप सब लोग की जानकारी के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता कहाँ से होती ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ये बात हाइप होती है। हमको 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक आइनॉक्स नाम की कंपनी से मिलती है, वो 3 जगह से इसको सोर्स करती है, उसमें लगभग 70 मीट्रिक टन ऐसा है जो हमको गुजरात से मिलता है, उनके प्लांट गुजरात में है, 100 मीट्रिक टन ऐसा है जो हमको UP से मिलता है, मोदीनगर में उनका प्लांट है, और 10 मीट्रिक टन हमको राजस्थान से मिलता है, तो ये 180 मीट्रिक टन वो कंपनी हमारे लिए लाती है। इसके अलावा हमने जो एडिशनल व्यवस्था करी उसमें 80 मीट्रिक टन हम अब भिलाई से ला रहे हैं, जो इनर्ट गैस करके कंपनी इंदौर में लेके आती है,
वो हमको भिलाई स्टील प्लांट से मिलना शुरू हुआ है, पहले नहीं मिल रहा था। और साथ में हम हमारे पास जो एयर सेपरेशन यूनिट होती है, प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने एयर सेपरेशन यूनिट लगाई हुई है जिससे सीधे लिक्विड ऑक्सीजन ना बन के सिलेंडर वाली ऑक्सीजन बनती है, वो हमारी कैपेसिटी 40 टन थी जिसको हम बहुत जल्दी 80 टन पे करने जा रहे हैं, अभी हमको करीबन 50 टन वहाँ से मिल पाती है। इन सोर्सेज से हम ऑक्सीजन की उपलब्धता करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो एक कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स के लिए राज्य शासन ने अभी नरहरि जी की पदस्थापना करके उनको केवल इस चीज़ पे निगरानी रखने के लिए कहा गया है कि वो ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाओं की उपलब्धता पे निगरानी रखेंगे। एक मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सब अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल जो चार्ज करते हैं उसकी दरें निर्धारित करें, हमने खुद निर्धारित ना करके उनको कहा है कि आप अपनी दरें निर्धारित करें लेकिन उसको डिस्प्ले करें और बताएं कि उसमें एक्सक्लूजन क्या है जो आपने पैकेज बनाया है। उसकी निगरानी के लिए एक प्रतीक खजेला साहब एक सीनियर IAS अधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है उनके पास और उनके विभाग को कि वो इस बात की निगरानी रखेंगे। साथ में हमने होम आइसोलेटेड मैरिज को दवाओं किट की बात शुरू करी है, 8 जिलों में हम PSA संयंत्र स्थापित कर रहे हैं जो बेसिकली एयर सेपरेशन यूनिट है जिससे हमको मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। रेमडेसिविर का सेंसिटिव मुद्दा है सर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने, ये मेरा अंतिम मुद्दा है इससे पहले कि मैं राजेश रोजेरा जी को हैंड ओवर करूँ, हमने पिछले एक साल में रेमडेसिविर का उपयोग सरकारी सुविधाओं में नहीं किया। जब भी ये प्रश्न आया तो हमने कहा कि इसको जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज ड्रग नहीं कहेगी तब तक हमारे लिए संभव नहीं है, तो हमने गवर्नमेंट सिस्टम में रेमडेसिविर उपयोग नहीं करी थी। और ये कहा था कि प्रयोग के तौर पर कोई लाना चाहता है तो उसको खुद खरीदनी होगी। 7 अप्रैल को एम्स ने और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली ने अपना रिवाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया है। उस रिवाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में उन्होंने कहा है कि ICMR ने जो ऑथराइज किया है कि मॉडरेट इलनेस और 5 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन पे आप रेमडेसिविर का प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। उस एम्स के प्रोटोकॉल को 7 अप्रैल को जारी होने के बाद हमने अपने टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप में डाल के 8 अप्रैल को हमने भी अपने सिस्टम में लोगों में ये इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि हम भी गवर्नमेंट सिस्टम में एम्स के उस प्रोटोकॉल के अनुरूप रेमडेसिविर का प्रयोग शुरू कराएंगे और इसके लिए हमने रेमडेसिविर क्रय की व्यवस्था भी शुरू करी है। आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हो कि सरकार को कुछ भी क्रय करने के लिए टेंडर करना पड़ता है, तो हमने एक टेंडर किया हुआ है 60,000 ड्रग्स को खरीदने का, लेकिन वो टेंडर में हमको थोड़ा समय था तो हमने कुछ बिजनेसेस से बात करके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ पैसे की व्यवस्था करी है और उस पैसे की व्यवस्था करके हमने 50,000 डोज हमने गवर्नमेंट के टेंडर सिस्टम के बाहर सीधे सीधे उन कंपनियों के माध्यम से क्रय कराकर अपने अस्पतालों में इंट्रोड्यूस करने का निर्णय लिया है। ये उपलब्धता शुरू भी हो गई है, CSR के माध्यम से आपको मिलना शुरू हो गया है, अपने अस्पतालों में उसके वितरण का हमने एक तरीका निकाल दिया है और उन अस्पतालों में किसको दी जाएगी ये चिकित्सा विशेषज्ञों को हमने अधिकृत कर दिया है कि उसका उपयोग करेंगे। सो हमने गवर्नमेंट सिस्टम में फाइनली रेमडेसिविर को इंट्रोड्यूस कर दिया और लेकिन ये स्पष्ट करते हुए कि केवल उन्हीं को दी जाएगी जो वो लेट डाउन प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप फिट हो, अर्थात करीबन 10% लोगों को रेमडेसिविर की उपलब्धता हो पाएगी। निजी चिकित्सालयों में भी रेमडेसिविर की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है क्योंकि उसकी जब डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अवेलेबिलिटी का कंस्ट्रेंट है। आप समझेंगे मैं खरीद के निजी चिकित्सालय को नहीं दे सकता, लेकिन हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है कि वो मध्य प्रदेश के चिकित्सालयों के लिए 35,000 डोज आरक्षित करें और जिनको उनकी ज़रूरत हो वो सीधे उनसे क्रय कर सकें, वो व्यवस्था हमने निजी चिकित्सालयों के लिए कर दी है। बस मेरे ये आंकड़े बातें थी। राजेश रोजेरा जी को 2 मिनट अपनी बात कह लें दे, फिर आप मंत्री जी से जो सवाल पूछेंगे हम लोग उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आगे सर, ये तुम्हारे राजेश इंग्लिश वाले इंग्लिश वाले। जैसा कि आप जानते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर लगातार होते रहे हैं, जिसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, भीड़ भरे स्थानों से दूर रहना, हाथों को धोना, सैनिटाइज करना, इन सब मुद्दों पर लगातार अभियान चले हैं और इसके बेहतर परिणाम पिछले कुछ माह में देखने को मिले हैं। तथापि बढ़ती हुई तेजी से बढ़ती हुई कोविड की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कुछ कड़े निर्णय लिए हैं।
11 जिलों में 9 दिन या 9 दिन से अधिक के लॉकडाउन पूरे पूरे जिले में किए गए हैं। छिंदवाड़ा, कटनी, बैतूल, खरगोन और रतलाम में यह जो है वो 7 तारीख और 8 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं। इसके अलावा आज जो बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की जिला आपदा प्रबंधन समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसके बाद 6 और जिले बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, सिवनी, नरसिंहपुर और बालाघाट, इन 6 और जिलों में जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन के आदेश हो गए हैं। आदेश हो गए क्या 6 पहले, 5 पहले और 6 बाद में। छिंदवाड़ा, कट्टी, बैतूल, खरगोन, रतलाम, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, 11 जिले हैं। इसके अलावा शहरों में शाहजहांपुर शहर में लॉकडाउन जो है ये 10 दिन का कर दिया गया, पहले 2 दिन का था। इंदौर, महू, राऊ, उज्जैन और उज्जैन के समस्त नगरीय क्षेत्र में जो है ये 10 दिन का लॉकडाउन जो अभी चल रहा है वो 19 तारीख तक एक्सटेंड हो जाएगा। जबलपुर शहर में 1 दिन का गैप देके, सोमवार का गैप देके और 12 तारीख की रात से 22 तारीख की सवेरे तक का जो है लॉकडाउन जबलपुर शहर में रहेगा। भोपाल के बारे में जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा वो जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक करके उसमें निर्णय होगा। अभी भोपाल में और कोलार का जहां से भी आएगा आपदा और इसमें जहां भी जिला आपदा प्रबंधन समितियां जो है जो सर्वसम्मति से निर्णय लेंगी और राज्य सरकार जो है उनके माइक बंद कर देना आपका। नाइट कर्फ्यू प्रदेश के हर शहर में 10 बजे से रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू है। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन जो है वो शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर और सोमवार को सुबह 6 बजे तक लागू है। कुछ विभिन्न प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे जुलूस, रैली और मेले का आयोजन नहीं होगा। जहाँ पर हॉल है वहाँ 50% कैपेसिटी से कम कैपेसिटी के कार्यक्रम होंगे। विवाह के संख्या निर्धारित होगी, भर्ती भोज, शव यात्रा में एक सीमित संख्या निर्धारित होगी जो जिला कलेक्टर तय करेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, पिकनिक स्पॉट भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में टेक होम होम डिलीवरी सेवा भी उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से 15 अप्रैल तक बसों की आवाजाही बंद रहेगी। 15 अप्रैल तक जो है पहली से आठवीं कक्षाएं जो है प्रदेश भर में बंद रहेगी। और जैसा आपको पता है कल आदेश जारी हुआ है, 5 दिन का भी मध्य प्रदेश में 31 जुलाई तक रहेगा। विभिन्न कदम जो उठाए गए हैं ये लगातार जो भी COVID-19 महामारी की स्थितियां निर्मित हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए सतत रूप से जिला आपदा प्रबंधन समितियों से संवाद रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, मंत्री जी से प्रश्न पूछेंगे, हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने। नहीं, मंत्री जी से सुधीर जी, जैसा सुलेमान साहब ने बताया आपके पहले क्वेश्चन को उत्तर तो देने दो मुझे। जैसा सुलेमान साहब ने बताया कि जिस प्रकार से एम्स ने और ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से जिनको भी रेमडेसिविर की जरूरत पड़ेगी वो निर्धारित होगा वहाँ पर इलाज करने वाले चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर। और जैसा बताया है क्योंकि अभी टेंडर में समय था इसलिए CSR के माध्यम से हमने कुछ डोजेज रेमडेसिविर के उपलब्ध कराए हैं जिसमें से आपूर्ति हो भी गई है और जिनको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए में प्रिस्क्राइब किया जाएगा उनको लगाने की व्यवस्था की जाएगी।